हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्लास एंड सिरेमिक के बारे में। एक्चुअल में ग्लास एंड सिरेमिक्स होता क्या है? आप लोगों ने ग्लास के बारे में पढ़ा होगा और सिरेमिक के बारे में पढ़ा होगा, है ना? ग्लास की अपनी अलग 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 प्रॉपर्टीज होती है और सिरेमिक क्या क्या होती है, अलग प्रॉपर्टीज होती है। जब हम दोनों को एक कर देते हैं, ग्लास को और सिरेमिक को एक कर दें, या हम कुछ ऐसे प्रोसेस अपनाएं जिसमें उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके मेथड में कुछ ऐसा चेंजेस कर दें कि उसमें थोड़ा क्रिस्टल डेवलप हो जाए। क्योंकि ग्लास है, सिरेमिक्स है, तो ग्लास में क्या होता है कि ये एमॉर्फस सॉलिड्स होता है और सिरेमिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना। ग्लास क्या है हमारा, एमॉर्फस सॉलिड्स होता है, एनली सॉलिड्स तो होता है लेकिन उसमें क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा सिरेमिक है वो क्या है, क्रिस्टलाइन है, है ना। दोनों सॉलिड्स है पर उसमें क्या है कि ग्लास में जो प्रॉपर्टीज है वो सिरेमिक से डिफरेंस है। जैसे हमने डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड सिरेमिक के बारे में बताया था, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसमें क्या है, ग्लास की भी प्रॉपर्टीज हो और सिरेमिक की प्रॉपर्टीज हो। जैसे कि कंपोजिट, कंपोजिट का नाम तो सुना होगा ना। कंपोजिट क्या है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिला के बना दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, तो हमारा कंपोजिट बनता है। वो एक उसकी जो कंपोजिट में क्या है कि मान लीजिए किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, उसका जो डिसएडवांटेज है तो सामने वाले की उसका एडवांटेज है ना। तो जैसे कि हमने क्या उसमें बताया था, कितनी बार बताया है कि अगर जो हम कंपोजिट की बात करें, जो नेचुरल कंपोजिट होता है, तो बोन्स और उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, बोन्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है और लिक्विड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो बोन्स देखा, हड्डी तो देखा होगा, अरे बैलों की तो देखा होगा, कुत्ते मर गए होंगे उनकी तो देखा होगा, पड़े होते उसमें होल्स होता है, उस होल्स में लिक्विड भरा होता है ना। तो लिक्विड का, लिक्विड कितने सॉफ्ट है और बोन्स कितना हार्ड है ना। तो अब जब उस लिक्विड की, जब हमें जब कहते हैं ना कि जोड़ों में दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द किसके कारण होता है, उस लिक्विड की कमी के कारण हो जाता है। तो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज है, एक अलग अपना गुण देता है, प्रदान करता है, और जो बोन्स है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से क्या है, हमारे जो ग्लास की अलग प्रॉपर्टीज है और सिरेमिक की अलग प्रॉपर्टीज है ना, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, जैसे प्रोसेसिंग टेक्निक में हम बदलाव कर दिए, और दूसरा क्या है, इसमें न्यूक्लिएटिंग एजेंट मिला दिए, न्यूक्लियाई डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स हमने मिला दिया, तो हमारा क्या बना, ग्लास एंड सिरेमिक्स। ठीक है, अब इसे ऐसे बनाने की जरूरत क्या हुई, जैसे आप लोग इसमें ऐसे करने की क्या जरूरत हुई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं और यहाँ न्यूक्लिएटिंग अदर मटेरियल भी बना रहे हैं, क्यों, कोई बताएगा कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, एक बना करने की बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सर, क्योंकि दोनों के गुण एक में प्रयुक्त करने के लिए, जैसे ग्लास में क्या डिसएडवांटेज है, ग्लास का हम क्या मान सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है, जो सिरेमिक कंप्लीट कर सकता है, क्या हो सकता है, आसानी से टूट जाना। तो प्लेट को अगर जो सिरेमिक की प्लेट को तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, शायद थोड़ा मजबूत होता हो, हां वो स्पेसिफिकेशन तोड़ के, दोनों ब्रिटल नेचर बताया ना, डिफरेंस में हमने बताया ना, दोनों ब्रिटल नेचर होते हैं, चाहे ग्लास हो चाहे सिरेमिक हो, दोनों ब्रिटल नेचर होता है, ग्लास भंगुर होता है, उसको तोड़ने पर वो बिखर जाता है, लेकिन सिरेमिक को तोड़ने पर वो पूरी तरह से बिखरता नहीं है। ब्रिटल है तो ब्रिटल होगा तो वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे आप लोग मैच खेलने में तो इंटरेस्ट लेते हो, मैच खेलने में तो इंटरेस्ट लेते हो ना, अभी आईपीएल का ऑक्शन भी हुआ तो उसमें देखा होगा सारी टीमें किस पे ज्यादा जोर देती है, किस खिलाड़ी को खरीदने में, किस खिलाड़ी को खरीदने में ज्यादा जोर देती है, देखा होगा ना, प्रदर्शन प्लस ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसको लेने से क्या होगा, हमारे बॉलिंग भी हो जाएगी और बैटिंग हो जाएगी। एक अच्छी टीम के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसके पास ऑलराउंडर ज्यादा हो, है ना। उसी तरीके से जैसे ग्लास की कुछ कमियां होंगी और सिरेमिक की कुछ कमी होगी, उन दोनों को पूरा करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाया जिसे क्या बोलते हैं, ग्लास एंड सिरेमिक्स। ठीक है, तो इसकी अगर जो हम डिफिनेशन लिखना चाहें, परिभाषा लिखना चाहें, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लास इज अ सब्सटेंस विद बोथ प्रॉपर्टीज आर कमिंग ग्लास एंड सिरेमिक। हाँ, ग्लास
ग्लास सिरेमिक्स आर दोस मटेरियल या प्रोडक्ट इन विच बोथ प्रॉपर्टीज लाइक ग्लास एंड सिरेमिक्स, है ना। ग्लास सिरेमिक्स वे पदार्थ होते हैं या वे पात्र होते हैं जिसमें ग्लास और सिरेमिक के दोनों गुण पाए जाते हैं, है ना। अब गुण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि जो हम पहले देख लेंगे इसको बनाने के लिए दो विधियां, दो ग्लास एंड सिरेमिक बनाने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। पहला पाउडर फॉर्मिंग मेथड, दूसरा क्या है हीट ट्रीटमेंट मेथड। दो विधियों के द्वारा जो पाउडर फॉर्मिंग है उसमें क्या करते हैं हम, एक अदर मटेरियल मिलाते हैं न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स, ठीक है, न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स। वो कौन से हमारे TiO2, ZrO2, P2O5, नोबल मेटल्स एंड कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। इनमें से मटेरियल में से कोई एक मटेरियल हम मिला देते हैं जिससे क्या होता है उसमें न्यूक्लियाई डेवलप होता है, क्योंकि हमने फिफ्थ सेमेस्टर में भी बताया था कि न्यूक्लियाई डेवलप होने के लिए पहले थोड़ा सा न्यूक्लियाई क्रिस्टल कब बनेगा, बिना नाभिक के कोई क्रिस्टल कोई कण बनेगा, पहले नाभिक क्रिएट होना चाहिए यानी न्यूक्लियाई बनना चाहिए, उसके बाद वो क्रिस्टल का साइज बड़ा होने लगता है। एक क्रिस्टल का आकार, कण का आकार तभी तो ले पाएगा, पहले उसके लिए नाभिक होना जरूरी है। तो उस नाभिक को जनरेट करने के लिए क्या हम मिलाते हैं, इन बेसिकल मटेरियल में से कोई एक मटेरियल, है ना। इस नाभिक को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मटेरियल्स में से कोई एक मटेरियल्स को मिला दिया जाता है, ठीक है। इन मटेरियल्स में से किसी एक मटेरियल्स को मिला दिया जाता है। अब क्या है कि दूसरा क्या है, हम और कौन सा एक प्रोसेस अपनाएं कि हम इस मटेरियल को ना मिलाएं, इस मटेरियल को ना मिलाएं और न्यूक्लियाई क्रिएट कर दे, ठीक है। इस मटेरियल्स को ना मिलाकर हम थोड़ा प्रोसेस में चेंजेस कर दे जिससे उसमें न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाए, जनरेट हो जाए। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। दो प्रोसेस है, पाउडर फॉर्मिंग प्रोसेस का ये है, इसमें क्या हमने किया है न्यूक्लियाई एजेंट मिलाया है, है ना, और इसमें हम ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लासेस में कौन सी कमी रहेगी जो सिरेमिक पूरा करता है, और सिरेमिक में कौन सी कमी रह गई जो ग्लास कंप्लीट करता है। हम बात करते हैं पहले पोरोसिटी, है ना, पहली बात है हमारी पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, ग्लास में जीरो पोरोसिटी लगभग होता है, 99% होता है, 99.5% तक पोरोसिटी लगभग फुल्ली डेंस मान सकते हैं ग्लास को, ठीक है। सिरेमिक में क्या है कि उसमें उसको सिंटरिंग करके या प्रेसिंग करके हम बनाते हैं, जब दो पार्टिकल होते हैं जो कण होते हैं, जब दो पार्टिकल पास पास में आएंगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, है ना। जब दो पार्टिकल बीच बीच पास आएंगे तो दो पार्टिकल के बीच क्या है, मान लिया ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, इसके बीच में गैप रह गया थोड़ा, तो ये फुल्ली डेंस नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अब हम जब मिलाएंगे ये ग्लास एंड सिरेमिक्स तो ये जो हमारा बनेगा फुल्ली डेंस बनेगा, समझ रहे हो, ये जो ग्लास सिरेमिक बनेगा फुल्ली डेंस बनेगा। क्यों बनेगा फुल्ली डेंस, क्योंकि ये प्रोसेस हम कौन किसका अपना रहे हैं, पूरा ग्लास बनाने का, रॉ मटेरियल्स भी ग्लास के हैं, हम केवल चेंजेस कहां कर रहे हैं, बदलाव कहां कर रहे हैं, उसमें न्यूक्लियाई डेवलप कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स कुछ नहीं बदल रहे हैं कि हम सिरेमिक का रॉ मटेरियल्स ले लिए, समझ रहे हो बात को। हम बदलाव कहां कर रहे हैं, क्यों, हम केवल न्यूक्लियाई को डेवलप कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को जनरेट कर रहे हैं कि न्यूक्लियाई बन जाए तो क्रिस्टल उसमें आ जाएंगे, है ना, तो क्रिस्टल्स आ जाएंगे। अब हमें पता होगा क्रिस्टल्स आ जाएंगे तो लगभग उसमें पोरोसिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि क्रिस्टल्स डेवलप होने के बाद भी उसमें पोरोसिटी नहीं रहती, क्योंकि इसमें दो फेज बनेंगे, एक ग्लास का बनेगा दूसरा सिरेमिक का। जो ग्लास वाला फेज है ना, जो गैप रह जाता है वो जाके उसको फिलअप कर देता है, उसको क्या कर देगा, उसको भर देगा। जब जो मान लिया जाए ये गैप है, दो पार्टिकल के बीच के में गैप है और हमारा ग्लास है लिक्विड फॉर्म में ग्लास है, वो जाके उसको भर देगा, है ना, तो जिससे क्या होगा उसमें पोरोसिटी जीरो होगी। जैसे ग्लास में पोरोसिटी जीरो होती है, ऐसे हमारे ग्लास एंड सिरेमिक में पोरोसिटी जीरो होती है। पहले तो हम किस पे चेक किए, पोरोसिटी के आधार पर। हमने क्या पढ़ा था कि ग्लास में तो जीरो पोरोसिटी होती है, लेकिन जो हमारा सिरेमिक है उसमें पोरोसिटी होती है, फुल्ली डेंस नहीं होता, ठीक है। पोरोसिटी पे क्लियर हुआ, क्या एडवांटेज था सिरेमिक में, क्या कमी थी जो ग्लास ने पूरा किया।
समझ गए। अब आते हैं हमारा क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है, हीट को सहन करने की क्षमता, कितने पे स्टेबल रह सकता है, कितने टेम्परेचर तक वो स्टेबल रह सकता है, मतलब सॉफ्ट ना हो, अपने आकार को ना खोए, है ना। तो सिरेमिक की तो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, ग्लास की लो होती है। अब इसको हीट अप करोगे तो लगभग 400-500 पे क्या सॉफ्ट होने लगेगा, इसका शेप में बदलाव चेंजेस होने लगेगा, है ना। तो इसके चेंजेस क्या शेप में चेंजेस होने लगेगा, तो ये ग्लास के क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन जो सिरेमिक के मटेरियल होते हैं वो हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखते हैं, है ना। ऐसे ऐसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो सिरेमिक के हैं, जो 3400-3500 टेम्परेचर तक वो सहन कर सकते हैं। तो ग्लास का जो डिसएडवांटेज है, यदि हम क्रिस्टल उसमें डेवलप कर दें, है ना, या क्रिस्टल डेवलप कर दें या TiO2 मिला दें, TiO2 क्या है, हाई टेम्परेचर को सहन करने की उसकी क्षमता है, और ये न्यूक्लिएटिंग एजेंट भी है, ZrO2, TiO2 क्या है, न्यूक्लिएटिंग एजेंट है, और ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल में सिरेमिक के मटेरियल्स भी है। अगर जब हम इनको मिला दें तो एक न्यूक्लियाई को डेवलप तो करेंगे, साथ में क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देंगे, समझ में। तो ये क्या है कि इसके थर्मल स्टेबिलिटी के आधार पर देखते हैं, जो ग्लास में जो कमी थी हाई टेम्परेचर को सहन करने की, स्टेबल रहने की, उसकी कमी को क्या है, न्यूक्लिएटिंग एजेंट मिलाने से, उसमें न्यूक्लियाई डेवलप करने से, ऐसा फेज सिरेमिक स्लाइड फेज डेवलप करने से क्या हो जाएगा, उसमें वो ताप सहन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहां पर इस ग्लास को हम यूज नहीं कर पाते थे, वहां पर इस ग्लास सिरेमिक का तो एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, है ना। ऐसे जगह जहां हाई टेम्परेचर हो वहां पर तो हम कर सकते हैं ना, ठीक। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता। तो पारदर्शिता क्या है कि हम ग्लासेस में तो है कि पारदर्शिता होती है, लेकिन जो सिरेमिक में है उसमें वो ओपेक होता है, है ना, ओपेक होता है या अल्प पारदर्शी होता है। जैसे इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ोगे तो अल्प पारदर्शी होता है, आभासी चेहरा उसमें दिखाई देता है, लेकिन जो हमारा ये है ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंस, वो बनता ट्रांसपेरेंस है, उसको आप अदर मटेरियल से उसमें पेंटिंग करके, अदर मटेरियल को करके उसको आप एक साइड से ओपेक कर सकते हो, है ना, या अदर कुछ मटेरियल मिला के उसको तुम ओपेक कर सकते हो, लेकिन वो जो जनरली जो मैन्युफैक्चर जो बनता है, जब तैयार होता है, रेडी होता है, तो ट्रांसपेरेंसी रहता है, उसमें आप उसके रॉ मटेरियल में बदलाव करके आप कुछ भी कर सकते हो, ओपेक बना सकते हो। लेकिन अगर जब वो बन के तैयार होता है तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब ट्रांसपेरेंस, लेकिन हमारा जो है सिरेमिक है ओपेक होता है। अब इस जो हमारा ग्लास सिरेमिक्स है, आप क्या कर सकते हो, 100% पोरोसिटी कर सकते हो, थर्मल स्टेबिलिटी भी ला सकते हो गुड, और उसको तुम चाहो तो ओपेक बना दो, तुम चाहो तो ट्रांसपेरेंट बना दो, में से आप जो चाहो, आप चाहो तो इसको ओपेक बना दो जो आर पार ना दिखे, है ना, और या तो आप चाहो ट्रांसपेरेंट बना दो जिसमें आर पार दिखे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, ट्रांसपेरेंसी वाली भी आ गई। दूसरा है स्ट्रेंथ एंड सीलिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ सीलिंग, जो सीलिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ तो मतलब समझ रहे हो, मजबूत, मजबूती। सीलिंग मींस क्या होता है, बंद कर देना, पैक। सीलिंग मतलब जॉइंट्स, जोड़ना, ठीक है, किसी चीज को क्या है, सील कर देना, जोड़ देना, पैक कर देना, जो बता रहे। तो क्या है, जो जो हमारा ग्लास का स्ट्रेंथ, और सिरेमिक में तो स्ट्रेंथ होता है, फिर ब्लड प्रूफ, बुलेट प्रूफ ग्लास तभी तो बनता है ना, इसमें स्ट्रेंथ तो होता है, अपनी मजबूती तो होती है, सिरेमिक में भी स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जो ये सीलिंग की प्रॉपर्टीज है केवल ग्लास में होती है, जो ये सीलिंग की प्रॉपर्टी है वो सिरेमिक में नहीं होता है। जो जो हमारे घरों में जो LCD होगी या पिक्चर ट्यूब जो बनती है ना, वो ग्लास सिरेमिक का बनता है, वो उसकी ज्वाइंट क्षमता अच्छी होती है। जब उसके ज्वाइनिंग करते हैं तो लगभग 800 तक टेम्परेचर को सहन करता है, वहाँ जब पिक्चर ट्यूब की जब ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइंट्स होता है पिक्चर ट्यूब को जो बोलते हैं, आप लोगों के में उसमें होगा, फाइनल ईयर में था, मॉडर्न सिरेमिक में, है ना, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि ये सीलिंग की प्रॉपर्टी पिक्चर ट्यूब के बारे में। तो उसमें जो ग्लास की जो गुण है सीलिंग के, ज्वाइंट्स करने का, प्लस हाई टेम्परेचर पे ज्वाइंट होने के लिए, तो हाई टेम्परेचर पे तो अगर जो केवल ग्लास रहेगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना।
तो इसके लिए हम क्या मिलाते हैं, सिरेमिक के रॉ मटेरियल्स मिलाते हैं जो हाई टेम्परेचर को वो सहन कर सके। ठीक है, तो इस आधार पे हम बदलाव देख लिए, है ना, क्या किसमें क्या कमी थी और किसने किसको पूरा किया। दूसरा है केमिकल ड्यूरेबिलिटी, रासायनिक स्थायित्व, क्या हो सकता है रासायनिक स्थायित्व, किसमें क्या कमी होगी, ग्लास में क्या कमी होगी, माइंड लगाओ। केमिकल स्टेबिलिटी, ग्लास किस पे अनस्टेबल रह सकता है, ग्लास में मेन मटेरियल्स क्या होता है अधिकतर सिलिका, सिलिका का नेचर क्या है अम्लीय है ना, एसिडिक है ना, तो अधिकतर वो जो ग्लास बनता है तो वो छारों से रिएक्शंस करने में रहता है, प्रॉब्लम्स होती है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मटेरियल से जो बनता है मेन ग्लास है तो अधिकतर वो छारों से क्रिया कर सकता है। तो उसके लिए हम ऐसे मटेरियल्स जो मिलाए सिरेमिक के मटेरियल्स जो छारों से क्रिया ना करें, है ना, तो दोनों मिलके प्रॉपर्टी एक देंगे, जो केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, रासायनिक स्थायित्व तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई, उसकी कमी क्या है, क्योंकि वो हम लोग छारों से वो क्रिया करता है ना, और उसकी छारों से क्रिया ना करे इसलिए हम क्या करें उसमें जो ये PiO2 है, एल्मोना है, ये जो बेसिक मटेरियल्स है उसको हम उसमें मिक्स कर दें, तो इससे क्या होगा, ये केमिकल ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। डेंसिटी में बात करते हैं तो ग्लास की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू सिरेमिक, तो उसके बढ़ाने पर हमारी ये डेंसिटी ग्लास सिरेमिक की डेंसिटी क्या होती है 2.60 हो जाती है। तो डिफरेंस समझ में आया कि हम बनाए क्यों आखिर, ये एडवांटेजेस क्या है भाई, ग्लास हमारा अलग बनता है, सिरेमिक हमारा अलग बनता है, दोनों को मिक्स करके बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो ये सारी जो थी कमियां थी किसी एक दूसरे में, किसी ना किसी एक में कमी थी, इन कमियों को पूरा करने के लिए क्या हमने बनाया ग्लास है। समझ गए, यहां तक तो समझ में आया, आया समझ में, अब आते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में, टाइप्स के बारे में आ सकते आ जाए, डिफिनेशंस हो गया था, टाइप्स के कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली तीन तरीके से होते हैं, जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तीन, आवाज नहीं, लिखने के लिए बोला, बात करने के लिए नहीं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक मशीनेबल ग्लास रेमिक, एक बायोएक्टिव ग्लास रेमिक, एक सिंटेट ग्लास रेमिक, कितने टाइप से होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो मशीनेबल ग्लास रेमिक जैसे हम क्या, मैंने इससे पहले कल वाले लेक्चर में हमने बोला था मशीनेबल ग्लास रेमिक वही होते हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, मशीनेबल ग्लास रेमिक क्या होता है, अब ग्लास में इसपे होल करने के लिए क्या हो जाएगा, इस जो खिड़की का ग्लास है इस पे आप चाहो कि उस पे ड्रिलिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ब्रेक्स हो जाएगा, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं, ये भंगुरता का गुण है, इसमें ब्रिटल नेचर का है, तो इसलिए हम उसमें ऐसा जो हमारा ग्लास सिरेमिक बन के रेडी होगा तो उस पे हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, इस पे हर चीज जो हम मशीनिंग का वर्क है इस ग्लास सिरेमिक में हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बायोएक्टिव ग्लास सिरेमिक्स, क्या होता है बायोएक्टिव सिरेमिक्स, जो हमारा किसमें यूज होता है, मेडिकल लाइन में हमारा ग्लास सिरेमिक मेडिकल लाइन में भी यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेडिकल लाइन में कहां पे यूज होता है हमारा डेंटल्स, अभी तक जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होता तो मुझे नहीं पता था, एक्चुअल में जब हम होता है ना एडमिशन लेते समय तो उसमें जाते हैं वो बनवाने के लिए मेडिकल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो मेरा जो अलॉटमेंट लेटर देखा उसने डॉक्टर ने, तो बोला कि सिरेमिक में आपका एडमिशन हुआ, हमने कहा हाँ सर, बोले सिरेमिक के बारे में कुछ जानते हो, मैंने कहा अभी तो सर पहली बार नाम सुने सिरेमिक का, क्योंकि पहली बार था वो किसी कोई मेरा जान पहचान वाला भी नहीं था कि सिरेमिक से किसी ने डिप्लोमा किया हो, तो डॉक्टर बोला सिरेमिक के बारे में नहीं पता एडमिशन, मैंने कहा सर हमें मिल गया थी सीट मिल गई थी अलॉट हो गया था,
तो बोले इसमें उन्होंने बताया फिर इस लाइन में कि ये सिरेमिक में क्या होता है, जो हमारे मेडिकल लाइन में भी सिरेमिक मटेरियल्स का यूज होता है। फिर बाद में जब आके यहाँ पढ़े तब हाँ पता चला कि ये होता है। उन्होंने वहां पर भी बताया कि जैसे जो दांत होते हैं या बोन्स होता है ना, या जो आई होती है, जो आंख खराब हो जाती है पत्थर की लगाई जाती है, या दांत टूट जाते हैं जो आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं, या जो बोन्स होते हैं, इन सब का रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्लास सिरेमिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंटर ग्लास सिरेमिक्स। फायरिंग और सिंटरिंग, फायरिंग और सिंटरिंग सेम प्रोसेस है ना, मतलब इतने टेम्परेचर पे हम ले जाते हैं कि उसके सारे पार्टिकल, उसमें जितना भी है पोरोसिटी है, वो पूरी फुल्ली रिमूव हो जाए, मतलब 100% उसमें पोरोसिटी डेंसिटी आ जाए, पोरोसिटी ना रह जाए, उस प्रोसेस तक हम ले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंटर ग्लास सिरेमिक्स। इस पे हम अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इन तीनों टाइप पे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है, ग्लास सिरेमिक्स के बारे में, है ना, कि ग्लास सिरेमिक्स क्या होता है, यूजेस कहाँ है, इसका इसको हम बनाते कैसे हैं, है ना, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिएटिंग एजेंट क्या है, तो इसके बारे में आप लोग डिफिनेशन लिख लोगे, क्या होता है न्यूक्लिएटिंग एजेंट, बताओ बताओ रागनी क्या होता है। एजेंट्स व्हिच आर यूजिंग फॉर द क्रिएट न्यूक्लियाई, हां, टू जनरेट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड तुम्हारा न्यूक्लिएटिंग एजेंट। न्यूक्लिएटिंग एजेंट वह पदार्थ होते हैं जो नाभिक का निर्माण करते हैं, या न्यूक्लियाई आर दोज मटेरियल व्हिच आर जनरेट न्यूक्लियाई इन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जांपल्स के रूप में लिख लेंगे, TiO2, ZrO2, P2O5, नोबेल मेटल्स होते हैं और कैल्शियम क्लोराइड CaF2।